बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इजी है, और वो ये है कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड, रेंज एंड मीडियन को अपने डेटे के अंदर। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का पार्ट है। आप सबको पता है डिस्क्रिप्टिव स्टैट में ये सात चार पांच चीजें आती हैं, वेरिएंस भी आती है। हम लोग इसको कैलकुलेट करें आज सीखेंगे। चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक शीट है, SPSS शीट, जिसमें मेरे पास तीन वेरिएबल है। एक MLQ है, एक TJP है, टीचर जॉब परफॉर्मेंस है, और थर्ड वन मेरे पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जेंडर की, सेक्टर की, जॉब परफॉर्मेंस की, डेजिग्नेशन की एंड सो ऑन। सो हेयर वी कैलकुलेट मीन। सो देन वी गो टू कमांड। फर्स्ट कमांड इज एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैट। आपको सबको पता है फ्रीक्वेंसीज हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट की थी। सेकंड ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव्स, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर मैंने फर्स्ट वेरिएबल की जितनी भी आइटम्स थी स्केल की वो सारी सिलेक्ट कर ली है। अब मैं जाऊंगी ऑप्शन में। ऑप्शन में मैंने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर आप मीडियन और मोड कैलकुलेट करना चाहते हैं इसको सेट करें, अदरवाइज इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएबल सेट आएगा डिस्प्ले और डन में कंटिन्यू करेंगे एंड ओके क्लिक क्लिक करेंगे। ये देखें आपके पास मीन आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट वेरिएबल की। बिल्कुल इसी तरह आप जाएंगे एनालाइज में दूसरे वेरिएबल के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैट में और देन डिस्क्रिप्टिव में, और इसको रीसेट करते हैं। फिर आप क्या करेंगे, सेकंड जो आपकी वेरिएबल है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसकी आइटम उसको सिलेक्ट करते जाएं। ये मेरे पास 15 जो है सेकंड वेरिएबल के आइटम्स ही, मैंने उसको सिलेक्ट किया। ऑप्शन में जाएंगे, वो ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्टेड है तो उसको सिलेक्ट दोबारा से कर लें अगर मिनिमम और मैक्सिमम आप चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह वेरिएबल लिस्ट ओके, और ये आपके पास आ जाएगी अगर मिनिमम मैक्सिमम आपको चाहिए। ये देख सकते हैं आप। इसी तरह आप तीसरे की कैलकुलेट, तीसरे की आप खुद प्रैक्टिस करके कैलकुलेट करें, और उसकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंटरप्रिटेशन लिखना सीखेंगे। क्योंकि ऑल दी थिंग्स, अगर किसी का कोजल कंपेरेटिव है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, फिर हम कोजल कंपेरेटिव पे एक वीडियो बना लेंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं स्पेसेस की शीट के ऊपर। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस टेबल में जो हमें कॉपी करने के लिए चीज की जरूरत होती है वो, उसको हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको कर लेंगे कॉपी, राइट क्लिक करेंगे कॉपी, और अपने वर्ड की फाइल पे इसको पेस्ट कर लेंगे। अब SPSS से हमने इसको वर्ड पे फाइल पे कॉपी कर लिया। अब जो हमने इसको APA में देना है उसकी वीडियो नेक्स्ट के लिए आप रेडी रहिएगा और इसको प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपको किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पे वीडियो पसंद आनी है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। हैव अ गुड डे।